UPSC mathematics UPSC PGDET mathematics के वीडियो नंबर 2 फॉर टॉपिक्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में कराए थे, आज जैसे कि कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो रूट्स ऑफ इक्वेशन होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/√2a। रूट्स कैन बी फाउंड द कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर बाय द फैक्टराइजेशन। ठीक है, यानी कि फैक्टर से अगर परफेक्ट स्क्वायर हो उससे रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं। यानी या तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे, अदरवाइज रूट्स अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है कैन बी फाउंड वाई कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर और वाई फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन हो जाता है तो भी रूट फाउंड हो जाते हैं, एंड परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो भी रूट हम फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जब रूट्स फाइंड नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता या फिर फैक्टर नहीं होता, तब इस फॉर्मूले को लगाते हैं, इसको कहते हैं फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला फाइंडिंग द रूम्स रूट्स रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। अगर एक रियल रूट्स है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, मान लीजिए लेट अल्फा बी द रियल नंबर्स, कॉल द रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, देन एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू 0 होगा। यानी कि कोई पॉलीनोमियल है एक्स के टर्म में, एफ ऑफ एक्स में कोई भी इक्वेशन है, अगर कोई उसका कोई रियल रूट्स अल्फा है, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या पॉलीनोमियल जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ ऑफ एल्फा भी 0 होगा। यानी अल्फा की वैल्यू एक्स इक्वल टू अल्फा उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करता है, तो वह इसका एक रूट्स होगा। ठीक है, ये पॉलीनोमियल की बात की है, ऐसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक में हो सकता है दो घात इक्वेशन से, उसमें एक्स इक्वल टू अल्फा रखने पर वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसका एक रूट्स होगा। ठीक है, और कुछ है उसको फैक्टर थ्योरम से भी फाइंडिंग कर सकते हैं। अगर फैक्टर थ्योरम की बात करें, फैक्टर थ्योरम से कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ, एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल्स। जो इक्वेशन होती है उसका एक रूट होता है। ठीक है, देन पॉलीनोमियल्स एफ ऑफ एक्स, एंड इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, ये केवल तभी संभव है जब एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स माइनस अल्फा उसका फैक्टर्स होगा, फैक्टर्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, यानी एक्स माइनस अल्फा से टोटल जो पॉलीनोमियल्स होता है उसको डिवाइडिंग कर देते हैं। डिवाइडिंग करने के बाद जो टर्म्स आ जाता है उसकी एंड एक्स माइनस अल्फा की मल्टीप्लाइंग टोटल पॉलीनोमियल्स के इक्वल रख दी जाती है। ठीक है, तो ये होती है फैक्टर थ्योरम, या सिस्पल प्रमेय इसको भी बोलते हैं, सिस्पल प्रमेय के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं इसमें, या जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा की कुछ फंडामेंटल थ्योरम है, जैसे इसका नंबर 1 पॉइंट है, एवरी पॉलीनोमियल इक्वेशन, कोई भी पॉलीनोमियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री एन, अगर उसकी डिग्री एन है एंड हैज एग्जैक्टली एन रूट, अगर एन घात के समीकरण है तो उसके कितने रूट्स होते हैं, एन रूट्स होते हैं, वो रियल भी हो सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स।
रियल है अगर इक्वेशन से पॉलीनोमियल इक्वेशन इज रियल तो रूट्स आर रियल एंड रूट्स उसके रियल होंगे एंड पॉलीनोमियल्स इक्वेशंस ऑफ एन डिग्री इज कॉम्प्लेक्स एंड रूट आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट्स नहीं होते। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स यानी कि दो रूट से ज़्यादा नहीं होते। इफ द टू रूट्स if the two roots are such that each is equal to alpha, यदि अगर दोनों अल्फा ही हैं, है ना, दो से ज़्यादा रूट्स होते नहीं होते, अगर दो रूट हैं दोनों ही अल्फा हैं then alpha is called a double roots। ठीक है, अल्फा इज कॉल्ड डबल रूट्स, इन अल्फा को ही हम डबल रूट्स कहते हैं। अब जनरली फार्मूला से जो हम सब लोग यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा है रूट्स अल्फा बीटा दे रखे हैं, दो सम ऑफ रूट्स एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स ये होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड डिफरेंट ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स आई यानी कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac/a। इसको डायरेक्ट याद रख लें तो बहुत ही बढ़िया है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/a है। ठीक है, अब वो डिपेंडिंग करते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, किस तरह से हम नेचर ऑफ रूट को रूट्स का नेचर बता सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रूट्स, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए ज़ीरो नहीं है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज पॉजिटिव। पहला पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर पॉजिटिव है, इज पॉजिटिव देन द रूट्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स अलग अलग हैं और रियल हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट से इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। थर्ड है इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन टू जीरो द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी लेस देन टू जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी। दूसरी कंडीशन आ जाती है अगर बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इज पॉजिटिव है एंड ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रियल रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट सा बी स्क्वायर माइनस फोर सी इज पॉजिटिव है तो रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे यानी कि रूट्स वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर सी बराबर जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल,
रूट से रियल है एंड इक्वल है। तीसरा पॉइंट है बी स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन टू जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी बार पॉजिटिव है एंड परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रियल होंगे, रेशनल हो सकते हैं एंड डिस्टिंक्ट तो होंगे ही होंगी, रियल रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस तरह से ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो आगे की वीडियोस में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगातार आते चले जाएंगे।